इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। डिटेक्टिव शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक बड़ी बड़ी चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। इसके कद पर ना जाइए, इसकी काठी पर ना जाइए। लाखों रुपए की चोरी करता था, गोरखपुर का रहने वाला है, पहले भी जेल में रह चुका है। और पिछले दिनों सेक्टर 13 में हमने आपको जो दिखाया था, सचदेवा जी जो आड़ती थे, जिनके घर लाखों रुपए की चोरी हुई थी, लाखों रुपए के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, ये वही चोर है। और लाखों रुपए के जेवरात के साथ, लाखों रुपए की नकदी के साथ इसको गिरफ्तार किया है। 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया है। जय कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। 2 साल पहले एक भी गिरफ्तार हो चुका है, जेल में रहकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी वारदात कर रहा था। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 80 लाख रुपए की ज्वेलरी, डायमंड और नकदी बरामद कर ली गई है। सचदेवा जी थे कोई सेक्टर 13 के रहने वाले, हमने आपको वो खबर दिखाई थी। उनका परिवार उत्तराखंड गया हुआ था 3 दिन के लिए। पीछे से इसने घर पर किस तरह से सेंधमारी की और 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। लेकिन आज बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, डिटेक्टिव शाखा ने इसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसकी कद काठी पर ना जाइए। ये बड़ा शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। 80 लाख रुपए की कीमत के जेवरात, नकदी, सब कुछ बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर देख सकते हैं, जहां पर 80 लाख रुपए के जेवरात, नकदी इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सेक्टर 13 में एक आरती के घर पर लाखों रुपए की चोरी करने वाला शातिर चोर आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर, करनाल पुलिस को चांदी के सिक्के, सोने के लॉकेट, चांदी के जेवरात, लाखों रुपए की नकदी, 80 लाख रुपए की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये ज्वेलरी देख सकते हैं, और चोर को भी पकड़ लिया गया और पुलिस जांच अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चोरी करके जेल में गया था, वहाँ से 2 साल के बाद करीब 3-4 महीने पहले अंडरग्राउंड की सजा पूरी करके आया था, तो इसने आते अपना यह काम शुरू कर दिया। जैसे पहले अपना चोरी को अंजाम देता था, वही तरीका इसने पहले की तरह अपनाया, तो मैंने इस चीज का पहले पता भी। 2013 में सर आरती थे सचदेवा, उनके जो घर पर चोरी हुई थी, उस चोरी की वारदात को भी इसने ट्रेस किया, मतलब इसने कबूला है कि वहाँ बिल्कुल कबूला, उसी की मुकदमे के बरामद की। 80 लाख रुपए का चोरी बताई गई थी सचदेवा की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरा सामान बरामद हो चुका है। हाँ जी। 3.5 लाख रुपए कैश भी था। हाँ, उसमें कुछ ये खर्च कर चुका था, कुछ उसमें बरामद कर लिया है। हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं 80 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला जो शातिर चोर था, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। डिटेक्टिव शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस बक्से में 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी है। सेक्टर 13 से हमने चोरी की बड़ी वारदात आपको दिखाई थी, जो सचदेवा आड़ती का काम करा करते थे, परिवार उत्तराखंड गया हुआ था और उनके घर पर चोरी हुई थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है डिटेक्टिव शाखा को। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, इस चोर की कद काठी पर ना जाइए। बड़े बड़े घरों में रैकी कर बड़े ही शातिराना तरीके से यह चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से, इस समय आप देख सकते हैं एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला एक शातिर चोर गिरफ्तार कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 80 लाख रुपए के जेवरात नकदी बरामद कर ली गई है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। डिटेक्टिव शाखा के इंचार्ज अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चोरी के बारे में? जी, इस चोरी के बारे में क्या कहेंगे सर? ये दिन में रैकी करा है और चोरी करता है। ये पहले भी जेल में रह आ चुका है और अब 1.5-2 साल में ये बाहर आया है। पहले भी हमने पकड़ा था इसको, पहले भी डिटेक्टिव स्टाफ ने पकड़ा था, जनाब हरजिंदर जी ने। सर, ये जो चोरी हुई है कहाँ, कौन से एरिया से चोरी की? ये 13 सेक्टर से चोरी हुई है, 13 सेक्टर से। तो ये अकेले ने की थी सर? ये अकेला ही करता है सर, महंगी अकेला रहता है। बोतलें भी चोरी करके आता है, यो शराब भी पीता है, नशा भी करता है, असला भी लेके
घूमता चोरी करता है। सर ये वही मामला जो घर पे बैठ के शराब भी पी। हाँ ये जो फुटेज इसलिए तो पकड़ा गया था, इसकी वारदात पहले ही पकड़ा गया था। ऐसी वारदात अपना तरीका वारदात ये गोरखपुर का रहने वाला सर काफी शातिर चोर है जो डीवीआर भी उठाकर ले गया था। हाँ डीवीआर भी ले जाता है साथ में। ये लगभग 70-80 लाख की चोरी हुई थी या कैश के लगभग 64,000 रुपए। अकेला इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देता है? अकेला ही देता है, अकेला ही। आपके पहले दिन में रेकी करता है और रात को चोरी करता है। परिवार उत्तराखंड गया हुआ था? हाँ उत्तराखंड गया हुआ था। तो क्या बरामद किया इसके पास से? इससे काफी डायमंड का सामान है और सोने का है और चांदी का है और कैश भी है। और भी चोरियां करी है? और भी वारदात है। इसे रिमांड पे लिया जाएगा? रिमांड पे लिया जाएगा। रहने वाला कहाँ है? ये गोरखपुर का, यूपी का। इसने सीवर में छुपा रखा था, सीवर में रहता है। हाँ ये सीवर में जीटी रोड के साथ नाले में पक्के नाले में सीवर के। हाँ दबा का चला जाए। हाँ जो पहले वारदात करी थी तरीका वारदात सेम था। जब हम मौका घटना स्थल पर गए हमने देखा भाई तरीका इसी प्रकार का है तो फिर हमने ट्रेस आउट उसी आधार पर करा इसको। हाँ इसी आधार पर हमने चेक करके इसको राउंड अप करा। तो बड़े ही शातिर तरीके से आप देख सकते हैं एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे गोरखपुर यूपी का रहने वाला है। एक बड़ी चोरी की वारदात को ट्रेस किया गया है। 80 लाख रुपए के जेवरात, 80 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। और ये बड़ी खबर इस समय करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा से देख सकते हैं। इस समय CIA यानी कि डिटेक्टिव शाखा के जो इंचार्ज है अनिल कुमार, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस चोरी की बड़ी वारदात को ट्रेस किया है, क्या कहेंगे? ट्रेस पुलिस का काम है ट्रेस करना। तो इसकी तरीका वारदात देखी, सेम तरीका वारदात, पहले भी ऐसे तरीका वारदात करता था, उसी तरीका वारदात को हमने चेक करा। इसकी क्यों पहले पकड़ रखा था इसको हमने? ये खानाबदोश टाइप का आदमी है, इसका कोई आगे पीछे है नहीं, यूपी का रहने वाला है। ये पारपुर को मैं इधर उधर सीवर शावर में सोता है। तो ये फुटेज में आ गया था, मैं आपको ये बता रहा है तो ये खबर में चलेगी। तो फुटेज जब भी अगर कोई घर से बाहर जाए तो अपना चौकीदार जरूर छोड़ के जाए। जो बड़ी बड़ी कोठियां आई ऐसे चले जाते हैं, DVR तो ये साथ में ले जाता है, तो वहाँ चौकीदार छोड़ना बहुत जरूरी है। घर में सिक्योरिटी गार्ड, लाखों रुपए की जेवरात ऐसे घर पर ना रखे जाए, लोकर पर रखे जाए, किसी रिश्तेदार को देकर जाए। हाँ बैंक में लोकर में रखे या अपने रिश्तेदार को छोड़ने। हैरान कर देने वाली बात है, इतनी बड़ी चोरी में कामयाब भी हो गया 80 लाख रुपया, लेकिन उसको एक गटर में छुपा दिया। इसको ये नहीं था कि यहाँ से जिला छोड़ दे? इसे कई चोरियां करनी थी, इसने कई चोरियां, सारा माल इकट्ठा करके फिर जाता है। ये सारा माल वगैरह इकट्ठा करके फिर जाता है यूपी। तो बिल्कुल कई चोरी की वारदातों को अंजाम इसने देना था। आप देख सकते हैं बड़ी चोरी की वारदात सेक्टर 13 में हमने आपको दिखाया था किस तरह से एक सचदेवा जी थे जो आड़ती थे, जी हाँ आड़ती का काम करते थे, 3 दिन के लिए अपने परिवार के साथ उत्तराखंड गए हुए थे, लेकिन पीछे से लाखों रुपए की चोरी हो जाती है, लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। करीबन 80 लाख रुपए के सोने चांदी डायमंड के जेवरात चोरी कर जाता है, विदेशी महंगी शराब की बोतलें वो भी चोरी कर जाता है, लेकिन शराब पीने का आदि था। विदेशी महंगी शराब की बोतलें तो चोरी कर गया, लेकिन आपने देखा किस तरह से करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक शातिर चोर को जो यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है, 2 साल पहले भी करनाल में पकड़ा गया था लेकिन अब बाहर था, लेकिन इसके चोरी करने के तरीके से CCTV फुटेज के आधार पर आखिरकार करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने इसको ट्रेस कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि 80 लाख रुपए का सामान चोरी कर चुका था, उसको गटर में सीवर में छुपा रखा था, और भी कई बड़ी चोरी की वारदातों को इसने अंजाम देना था, लेकिन किस तरह से उससे पहले ही आखिरकार करनाल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने इसको आखिरकार पकड़ लिया, इसको आखिरकार पकड़ लिया है रंगे हाथ। 80 लाख रुपए के जेवरात के साथ, नकदी के साथ, 3 से 4 लाख रुपए की नकदी के साथ, सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी के साथ आखिरकार इसको पकड़ा है। तो बड़ी कामयाबी लगी है करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा को। अब इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर दिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार इसने और कितनी चोरियां की रखी थी। बड़े बड़े घरों में रैकी कर यह चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देता था, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल पुलिस के डिटेक्टिव शाखा ऑफिस कार्यालय से आप देख रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है, 80 लाख रुपए के जेवरात जो चोरी किए थे, नकदी वो बरामद कर दी गई है, विदेशी महंगी शराब की बोतलें भी चोरी कर ले गया था लेकिन शराब पीने का आदि है, वो शराब की बोतलें इसने पी ली। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने आखिरकार जो चोरी की हुए जेवरात थे
उसको बरामद कर लिया है। करनाल के सेक्टर 13 पोश इलाके में हमारी भी लोगों से अपील है कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं सबसे पहले तो घर पर कोई छोड़कर जाए, अन्यथा आप घर पर इतनी महंगी जेवरात और महंगी जो और चीजें होती हैं वो घर पर ना छोड़कर जाए। लाखों रुपए के जेवरात घर पर छोड़ गए थे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर होती है। अपने किसी रिश्तेदार के घर वो आप बैग दे जाए, आप बैंक के लॉकर में बैग दे जाए, आजकल तो लॉकर्स में भी काफी सुविधाएं होती है, अपने नजदीक के किसी बैंक में भी आप एक लॉकर ले सकते हैं जिसके आधार पर कहीं ना कहीं जो जेवरात होते हैं कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप उसको निकलवा सकते हैं। लेकिन इतने करोड़ों रुपए की कीमत के, लाखों रुपए की कीमत के जेवरात अगर आप घर पर छोड़कर जाएंगे तो चोर इसका फायदा उठाते हैं और इस तरह से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है, हरियाणा के करनाल से करीबन 80 लाख रुपए चोरी का माल जो है बरामद कर लिया गया है। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।